नमस्कार मित्रों, सिक्स की सेकंड पार्ट में हम देखेंगे हमारे उंगलियों में, इन दो उंगलियों में, लेफ्ट हैंड दो उंगली, इन साइड यांग साइड। चलिए देखते हैं इनमें मेरिडियन कैसे है। हमारा जो मेरिडियन का जो चार्ट है उसके मुताबिक हम देखेंगे कि क्या है मेरिडियन। तो यह पहली मेरिडियन वन एल यू मेरिडियन, तो इसका जो पेयर था एल आई, तो वो मेरिडियन यहाँ होगी एल आई। दूसरा मेरिडियन यहाँ से होगा सेंटर से बी आर ब्रेन मेरिडियन, उसका यहाँ पे होगा दूसरा मेरिडियन यहाँ साइड में एस सी। तीसरा मेरिडियन है यहाँ पर एच टी मतलब हार्ट मेरिडियन, यहाँ पर तीसरा मेरिडियन होगा एस आई स्मॉल इंटेस्टाइन। चौथा मेरिडियन दूसरे उंगली पर यहाँ पर होगा एस पी मतलब स्प्लीन मेरिडियन, यान साइड स्प्लीन मेरिडियन। यहाँ पे जो दूसरा मेरिडियन आएगा वो आएगा इसका अपोजिट साइड में एस टी मेरिडियन। बीच में यहाँ पर एल आई वी मेरिडियन, एल आई वी, यहाँ आएगा जी बी, ये होगा एस टी मेरिडियन, के डी मेरिडियन किडनी, और यहाँ होगा यू बी मेरिडियन। तो इस तरीके से ये हमारे दो उंगलियों में इतने ही इसमें यह मेरिडियन ये हो गए। इसमें हमें एनर्जी को कैसे करना है कि सेंटर के जो पॉइंट्स हो गए छेवों उंगलियों में, छेवों पॉइंट में, ये हो गए विंड के, यहाँ से हम विंड को कंट्रोल करेंगे। यान साइड के जो पॉइंट्स हैं इनके बीच का जो पॉइंट होंगे सेंटर, ये छः पॉइंट जो हो गए वो हो गए हीट के, और ऊपर के जहाँ से शुरुआत है मेरिडियन की ये पॉइंट्स हो गए हॉटनेस के, दोनों भी उंगलियों में इस तरीके से हो गए। अब नीचे ये जो पॉइंट्स हो गए यह हो गए कोल्डनेस के, ये दोनों के बीच में दो दो पॉइंट्स आएंगे। तो विंड के नीचे है ह्यूमिडिटी, हमने ह्यूमन बॉडी में देखा ह्यूमिडिटी, और इसके नीचे है ड्राइनेस, ये हो गए। अब यह विंड है, यहाँ कोल्ड है, तो यहाँ पर हॉटनेस वाले पॉइंट्स होंगे, यह हो गए हॉटनेस, और इसके बीच में सेंटर में जो पॉइंट्स हो गए वह हो गए हीट के। यहाँ पर ऊपर के जो पॉइंट होंगे छः पॉइंट्स कोल्डनेस के, और इसके बीच में दो दो पॉइंट्स हो गए ह्यूमिडिटी एंड ड्राइनेस, ह्यूमिडिटी और ड्राइनेस। तो यह मेरिडियन इस तरीके से ये मेरिडियन काम करेंगे और इस पर ये एनर्जी होंगी। आइए जानते हैं इसके फ्लो को। तो हम इस उंगली को इस तरीके से घुमाएंगे, चलिए उंगली इस तरीके से, ये फ्लो होगा। तो इसका फ्लो इस तरफ जाएगा ऐसे, यहाँ से ये ऊपर की तरफ जाएगा, यह फ्लो नीचे की तरफ आएगा और यह फ्लो ऊपर की तरफ जाएगा। तो हमें जब भी कोई एनर्जी को हम घटा रहे हो या बढ़ा रहे, मतलब हम इस पर अगर सेम कलर लगा रहे हैं तो एनर्जी बढ़ेगी, अपोजिट कलर लगा रहे हैं तो एनर्जी घटेगी। सिंपल वे एनर्जी को नियंत्रित करने का। दूसरा है बियोल मैग्नेट, उस पॉइंट पर अगर हम येलो कलर, येलो मैग्नेट, येलो साइड से बियोल मैग्नेट अगर लगा रहे हैं तो एनर्जी बढ़ेगी, और वाइट साइड से अगर मैग्नेट लगा रहे हैं तो एनर्जी घटेगी। इसी के साथ साथ निडल का उपयोग हम जब करेंगे तो डायरेक्शन में जब निडल हम लगाएंगे तो एनर्जी बढ़ेगी, और अपोज में जब निडल लगाएंगे तो एनर्जी कम होगी। तो यह है सिक्स की, इसका एक चार्ट भी बनता है, वह चार्ट हम अगली बार देखेंगे। धन्यवाद।